जानेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि भाषा होती क्या है, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या है, और हमारी राज भाषा के बारे में। डिवीजन में हम लोग इस चीज को जानेंगे और इस पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जो प्रश्न उत्तर पूछे हैं, वो भी इसी में कंप्लीट हो जाएंगे जब हम इसको करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं किसको भाषा को की भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा क्या है, भाषा एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे अपने विचार हमारे सामने प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी कि दूसरे के विचार को हम सुनते हैं और हमारे विचार को सामने वाले को बताते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाषा। अब आप ये बताइए कि अगर आप भाषा को नहीं जानेंगे तो आप अपने विचारों को एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो भाषा वही माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं, भाषा होती है। और फिर इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार मुख्यतः दो ही होते हैं। कौन सा, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या है, पहले भाषा मैंने आपको बताया कि भाषा वह जरिया है, वह माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपने विचारों को सामने वाले के समक्ष प्रकट करते हैं और सामने वाला अपना विचार हमारे समक्ष प्रकट करता है, किसके जरिए, भाषा के जरिए। फिर ये भाषा के प्रकार दो होते हैं मुख्यतः, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। लेखित भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वो होती है लिखित भाषा। एक कभी कभी आप देखेंगे सांकेतिक भाषा, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है या बुक में भी पूछे तो सांकेतिक भाषा में बात को सामने वाले के समक्ष इशारों में बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। जैसे कि अगर कोई सामान कहीं रखा है, किसी ने आपसे पूछा कि वह किताब कहाँ है, तो आप उसे ना ही बोल कर बताएंगे, क्योंकि अगर बोल कर बताया तो वो हुई मौखिक भाषा, अगर लिख कर बताया जाएगा तो वो होगी लिखित भाषा। तो हम जब संकेत करके बताएंगे कि वो है किताब बिना बोले, तो वो हो जाएगी सांकेतिक भाषा। लेकिन आप सांकेतिक भाषा को ना ही हम बोल सकते हैं और ना ही हम लिख सकते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को इसके प्रकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए सांकेतिक भाषा क्या होती है, वह जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी बातों को संकेत द्वारा बताते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन भाषा के प्रकार में मुख्यतः दो ही प्रकार बताए गए हैं, मौखिक और मौखिक, यानी कि बोल कर विचार प्रकट करना, लेकिन यानी कि लिख कर विचार प्रकट करना। फिर उसके बाद आता है लिपि। अब लिपि क्या होती है, देखिए अब देखिए लिपि में क्या है, लिपि को आप इन शॉर्ट एक वर्ड याद रखिए, क्या, लिखने का ढंग। भाषा की बात कर रहे हैं तो ये भाषा की परिभाषा बताई मैंने, भाषा के प्रकार बताए और लिपि में लिखने का ढंग, लेकिन किसको लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग, है ना। तो हर भाषा को अलग अलग तरीकों से लिखने लगता है, लेकिन उस भाषा को लिखने के ढंग को
लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले स्टार्ट में क्या सीखते हैं, ए बी सी डी, फिर आगे जब आप वर्ड बनाते हैं तो इन्हीं लेटर को लेकर तो बनाते हैं ना। हिंदी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद जब आप इन वर्डों को जानते हैं फिर आप शब्द बनाना सीखते हैं, लेकिन इन्हीं से सीखते हैं। तो हर भाषा को हम ऐसे ही, पंजाबी होती है, उर्दू होती है, तो हर भाषा को लिखने का क्या होता है, अलग अलग ढंग होता है, और लिखने के इसी ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। फिर देखिए कुछ भाषाएं हैं हमारे, जैसे कि हिंदी। अब हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। फिर संस्कृत, संस्कृत भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी ये गुरुओं की लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, उर्दू की लिपि होती है फारसी। फिर इसके बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। भाषा देखिए अलग अलग भाषा है, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सबकी अलग अलग लिपियाँ भी हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत की एक ही लिपि है जो क्या है, देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी, नागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुओं की, उर्दू फारसी और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा एक और भाषा है फ्रेंच। ये भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग बस इतना सा अगर आप याद रखेंगे तो उसकी परिभाषा आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को या उसके तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं, पहले राजभाषा देखते हैं, उसके बाद अब देखिए भाषा हो गया, भाषा के प्रकार हो गए, लिपि हो गई, अब हम लोग देखते हैं राजभाषा को। अब राजभाषा क्या है, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इतनी सारी भाषा होने के कारण फिर हमारा आपस में संपर्क करने में बहुत दिक्कतें होती, इसलिए क्या किया गया, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारी राजभाषा बना दिया गया, यानी कि एक लैंग्वेज रखी गई जिसके जरिए हम आपस में संपर्क कर सकें। वो कौन सी भाषा को बनाया गया, हिंदी को बनाया गया। इसको हम 14 सितंबर 1949 भी कहते हैं, इसको हिंदी 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। तो बहुत सारी भाषा होने के कारण कोई भी संपर्क करने में आपस में कंफ्यूजन ना हो, राज्य लेवल पे कोई काम करने में या शासकीय कार्य करने में, इसलिए उन्होंने क्या किया, कोई एक भाषा को चूज किया और उसको हमारी राजभाषा बना दिया कि हमारे यहाँ का जो कार्य होगा वो उसी भाषा में किया जाएगा। वो भाषा कौन सी थी, वो भाषा हमारी थी हिंदी, है ना। अब आपको पता है ये 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हम एक और दिन मनाते हैं। आपके स्कूल में हर साल होता है एक कॉम्पिटिशन होता है, कुछ याद है, उसमें आप पोयम तैयार करते हैं हिंदी की। यस, 14 सितंबर को और क्या होता है, हिंदी दिवस होता है।
आपको याद होगा आप हर साल पोएम तैयार करते हैं, ग्रुप भी करते हैं, इंडिविजुअल पोएम भी करते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, याद आया? तो कब करते हैं हम लोग? हिंदी दिवस पर। और हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को, है ना? फिर देखिए हमारे देश में कई जगह है वहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ऐसे ही आइए और कुछ भाषा में उनके कुछ जगह उनकी भाषा को बदल जाती है। देखिए यहाँ कुछ प्रदेश भी हैं और उनकी भाषा बताएगी, जैसे कि पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बांग्ला। गुजरात में लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? गुजराती। केरल में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मलयालम। महाराष्ट्र में मराठी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। उड़ीसा में उड़िया। गोवा में कोंकणी। तमिलनाडु में तमिल। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो ये सारे ही प्रदेश दे रखे हैं और इस साइड सारे प्रदेशों की भाषा ही कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप खुद ही बताइए, इतनी सारी भाषा है तो जो हमारे शासकीय या राजकीय कार्य होते हैं उसमें कोई भी भाषा अगर चलेगी तो कितना कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए हमारी एक भाषा को चूज करके क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया, जो कि क्या थी? हिंदी। तो आप अब प्रदेश और उनकी भाषा को जान गए होंगे, है ना? इसके बाद फिर हम देखते हैं, अरे हाँ एक चीज और मैंने जैसे ये लिखा है आंध्र प्रदेश, है ना? आ के ऊपर मैंने बस इतनी ही लाइन की है और भा के ऊपर इतनी। और ये बात शायद मैंने आपको स्टार्ट में जब पढ़ाया होगा तो आप बताया होगा कि आप आ धा भा छा ये कुछ ऐसे अक्षर हैं, कुछ वर्ड हैं जिन पर आपको पूरी लाइन नहीं करनी होती, पढ़ना ही गलत हो जाते हैं। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल शायद आप लोग लिख ना रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पा रही हो, तो ये सारी चीजें आप भूल मत जाइएगा कि जब भी आपको लिखना हो तो फिर आप इनमें मिस्टेक करने लगेंगे, इसलिए मुझे ये याद आ गया तो बता देंगे। फिर इसके साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, नहीं तो आपकी राइटिंग भी बिल्कुल खराब हो जाएगी। बस यही बताना था, उसके बाद छह व्याकरण को देखते हैं। लेकिन पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सके। आखिर व्याकरण होता क्या है? तो व्याकरण क्या है? जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना जो सिखाता है वो क्या होता है? व्याकरण होता है। अगर हम व्याकरण को जब जान जाएंगे, जब सीख जाएंगे, तभी हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। तो भाषा क्या है, सॉरी व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से क्या करता है? हाँ बोलिए, शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है ना। तो व्याकरण ही वो है जिसके ज्ञान के बाद आप किसी चीज को शुद्ध लिख पाएंगे। अब जैसे हमने आपसे बोला कि आप लिखिए, हमने आपसे जैसे बोला कि लिखिए कविता, है ना? और आपने लिख दिया कविता, है ना? हमने आपसे बोला कि आप लिखिए कवि, तो आपने लिख दिया कवि। क्योंकि जो बोला गया वो क्या बोला गया आपको, कविता में छोटी ही मात्रा लगेगी जब आप उसको ठीक से सुनेंगे कि क्या बोला गया है, तभी तो आप लगा पाएंगे
शुद्ध रूप से जान पाएंगे जब आप कौन सी मात्रा कविता में लगनी है, तभी जब आप शुद्ध रूप से बोलना सीख पाएंगे तभी आप उसको लिख भी पाएंगे। लेकिन ये सब हमें किसके जरिए पता चलेगा? व्याकरण के जरिए, कि हमें कौन सी मात्रा किस साइड से लगानी है, कहाँ लगानी है, किसी शब्द को कैसे लिखना है, ये सब हम कैसे सीखते हैं? व्याकरण के जरिए। अब अगर हम आपको पढ़ाए हैं अक्षर का खा गा, ठीक, इन सारे अक्षरों का सबका आपको ज्ञान होगा तभी तो आप शब्द बना पाएंगे, है ना, शुद्ध रूप से लिख पाएंगे जब आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। तो ये सारे जितने नियम बताए जाते हैं वो सारे व्याकरण में बताए जाते हैं, और व्याकरण का ज्ञान होने के बाद ही आप किसी भाषा को क्या कर सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ या लिख सकते हैं। जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक ना ही आप शुद्ध रूप से पढ़ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं बाकी भी कुछ भेद रूप है, एक है वर्ण विशार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। अब आप क्लास फाइव में हैं तो क्लास फोर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन चलिए फिर इसके पहले अभी जब चैप्टर पढ़ा रहे तभी भी बताया था। फिर इसको हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं भी इसको पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ण, मैंने आपको बताया था भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हम स्टार्ट करते हैं भाषा, वो कौन सी होती है? वर्ण। जैसे कि वर्ण विचार में हम क्या करते हैं, इन वर्णों को जानते हैं, इनके उच्चारण करना चाहते हैं, कि इनको कैसे हम बोलते हैं, इनसे हम कैसे शब्द बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम वर्ण विचार में जानते हैं ना। फिर जब आप इन सारे वर्ण को जान जाते हैं, ये पास से ज्ञात है, जब सारे आपको बता दिए जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में बात करते हैं, शब्द बनाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वाक्य। जब आप वर्ण जान गए, जब आप शब्द जान गए, तो उसके बाद वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य विचार में हम वाक्य को बनाते हैं। वाक्य में क्या करते हैं, हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, जब कई शब्द यहाँ पर होंगे तभी तो वाक्य बनेगा। तो यहाँ हो गया वाक्य विचार। अब वाक्य में ये मुख्यता क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है ना। इसमें ये लिखा जाता है, मतलब एक वाक्य बनाने के लिए एक नियम ही समझ लीजिए आप इसे, कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें पहले आता है कर्ता, फिर क्या आता है, कर, और फिर क्या आती है, क्रिया। जैसे कि एक वाक्य हम लिखते हैं, राम घर जाता है ना। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आता है हमारा, कर्ता, कर्ता यानी कि काम करने वाला। तो राम घर जाता है, कौन काम कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या हो जाएगा, कर्ता, है ना। फिर आया कर, किसी भी बात में पहले कर्ता आते हैं तो कर्ता पहले आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, कर्म आता है। अब कर्म क्या होता है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। अब यहाँ देखिए कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हर पर, तो ये क्या हो जाएगा, कर, है ना। और वैसे भी यहाँ भी दिया गया है कि कर्ता के बाद क्या आता है, कर, तो कर्ता के बाद यहाँ क्या है, हर, तो क्या हो गया, कर। फिर सबसे लास्ट में यानी कि अंतिम में आती है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं आपको आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अभी सुन लीजिए ताकि ये आपको समझ में आ जाए। जब जिस भी शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब इस बात में राम घर जाता है, राम से किसी काम के होने का पता चल रहा है, नहीं। घर से किसी काम के होने का पता चल रहा है, नहीं। जाता है यहाँ एक क्रिया है ना, क्योंकि देखिए जाना, आना, खाना, पीना, ये सारी क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, क्रिया। खैर क्रिया तो मैं आपको क्रिया चैप्टर बताऊंगी, अभी आप वाक्य विचार जानेंगे। वाक्य विचार
बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। और ये नियम बताया गया है कि किसी वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और अंत में क्या आती है, क्रिया आती है। जैसे कि यहाँ पर पहला राम घर जाता है, राम हो गया कर्ता, कर्ता का प्रभाव जिसको पड़ता है वो कर्म, और कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म, फिर सबसे लास्ट में आती है क्रिया। और जिस वाक्य में दे रखा है जाता है, तो जाता है क्या हो जाएगी, क्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं ना। आज हमने इस पाठ में क्या क्या जाना, भाषा, भाषा क्या होती है, उसके प्रकार, उसके कितने प्रकार होते हैं, लिपि क्या होती है, राज भाषा क्या है, और व्याकरण क्या है, उसके क्या कौन कौन से रूप हैं। इन शॉर्ट एक बार फिर से उसको बोल मैं बताती हूँ आपको। देखिए भाषा क्या था, भाषा वो जरिया या वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी कि अपने सामने वाला हमें अपने विचार प्रकट करता है, हम अपने विचार उसके समक्ष प्रकट करते हैं। फिर भाषा के प्रकार दो होते हैं, मुख्यतः दो ही होते हैं, वैसे कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तीन तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, पूछेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः दो ही होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। और तीसरी जो है सांकेतिक भाषा, उसमें हम संकेत के द्वारा अपने विचारों को बताते हैं, लेकिन उसको प्रकार में शामिल नहीं किया है, क्योंकि ना ही हम उसे पढ़ सकते हैं और ना ही उसे लिख सकते हैं, है ना। फिर आता है लिपि, और लिपि को याद करने के लिए आपको बताए, बस आप इतना याद करिएगा लिखने का ढंग या लिखने का तरीका। अच्छा, भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भाषा के लिए है, तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग जो होता है या तरीका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है मैंने आपको बता ही दिया है। फिर राजभाषा, राजभाषा हमारी क्या थी, क्या है, हिंदी है। और इसको इसलिए चूज किया गया क्योंकि इतनी सारी भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं, तो राष्ट्रीय शासकीय कार्यों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से किसी एक भाषा को राजभाषा बना दिया गया। वो क्या, कौन सी थी, हिंदी भाषा। और इसे कब बनाया गया था, 14 सितंबर 1949 में। और फिर 14 सितंबर को हम एक और दिन मनाते हैं जिसे किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। और फिर है व्याकरण। और व्याकरण क्या है, व्याकरण वह साधन है या वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। अगर व्याकरण हमें ज्ञान नहीं होगा तो ना ही हम शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे। इसलिए किसी भी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, व्याकरण का। फिर व्याकरण की मैंने तीन बताए, पेड़ आपको वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। और वैसे भी देखिए आप याद कर लीजिए, वर्ण, शब्द और वाक्य, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब आपने अगर का पढ़ा होगा, माँ पढ़ा होगा कहीं, और ला पढ़ा होगा, पहले भाषा की छोटी इकाई वर्ण, फिर वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य, है ना। तो जब आपने पहले देखी, जैसे ये वर्ण आपने चार चार का ये सारे वर्ण पढ़े हैं, फिर इन्हीं वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। जैसे यहाँ से चलिए हम ये और ये वर्ण लेते हैं, तो का, माँ और ला, ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। किनसे बना, इन्हीं वर्णों से तो बना, है ना। फिर अब हम शब्द, कई शब्द ले लेंगे। अब जैसे कि कमल, हाँ कमल, सुंदर फूल है ना। अब हमने यहाँ पर एक शब्द लिया, दूसरा शब्द लिया, तीसरा शब्द लिया, तो ये क्या बन गया, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भाषा को पढ़ना, हो गया है वर्ण। जब हम कई वर्णों को मिला देते हैं वो बन जाता है शब्द, जब हम कई शब्दों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वाक्य। वाक्य में कौन सी तीन चीजें होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता सबसे पहले आता है, कर्ता के बाद आता है कर्म, और सबसे लास्ट, सबसे अंत में क्या आती है, क्रिया। और क्रिया आपको मैंने भी बता ही दिया, बाकी चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगी ही कि जिस भी चीज, मतलब वो शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले कि यहाँ कोई काम हो रहा है, वो हमारी हो जाती है क्रिया। खाना पीना, रोना, हंसना, ये सारी क्या हो जाएंगी, क्रिया। क्या वो तो मैं आपको क्रिया के चैप्टर में बताऊंगी। मुझे लगता है कि भाषा चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट गया होगा या आपको समझ में ना आया होगा। अब भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप बहुत अच्छे से देंगे।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको हर भी एक बार फिर से